ये टप्पू के पापा, टप्पू के पापा ऊपर क्या देख रहे हैं? ऊपर सीलन आ गई है क्या? तो मकड़ी के जाले है? नहीं। तो आप ऊपर छत पर क्या देख रहे हैं? हमारा राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज? राष्ट्रध्वज कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है टप्पू के पापा? मेरे ख्यालों में है। मैं अभी ध्वजारोहण के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था ये तिरंगा, जिसकी शान के लिए हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने और सैनिकों ने अपनी जान दे दी, उसे अपने हाथों से लहराने का मौका तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। हाँ, वो तो है। सच कहूं तो दया, इस बार मुझे बहुत इच्छा है कि ये ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिले। बराबर है टप्पू के पापा, लेकिन हर साल की तरह सोसाइटी मीटिंग में सर्वसम्मति से ही नक्की किया जाएगा ना कि ध्वजारोहण कौन करेगा। भगवान करे इस साल ध्वजारोहण का मौका मुझे मिले। मेरी माँ हमेशा कहती है, कामना को कल्पना के साथ जोड़ दो। कामना कल्पना कौन है ये दोनों? मेरा मतलब ये है कि आपके मन में जिस चीज की कामना है उसकी आप कल्पना करो तो वो चीज आपको मिल जाएगी। सासु माँ की बात है, मुझे तो हमेशा बाउंसर ही जाती है। पता नहीं तू कैसे समझ लेती है। अरे मैं बेटी हूँ उनकी, मुझे तो समझ में आएगा ही ना। अरे हाँ, आइए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। एक मिनट, आइए, कहाँ जाना है? बहुत दूर नहीं जाना है, बस दो कदम चलना है। या। एक, दो। दो कदम और चलना है, सॉरी तेरा। एक, दो, ये ठीक है? हाँ, बहुत। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उसके ऊपर हमारा राष्ट्रध्वज बंधा हुआ है और उसकी डोर आपके हाथ में है और आप बड़े मान सम्मान आदर से गर्व से वो डोर को खींच रहे हैं। और अब हमारा राष्ट्रध्वज आकाश में लहरा रहा है। और उसका केसरिया सफेद और हरा रंग पूरे आकाश में छा गया है और अब तो राष्ट्रगीत बज रहा है और हम बड़े गर्व से उसे सलामी दे रहे हैं। टप्पू के पापा, आपने अपनी कामना को कल्पना के साथ जोड़ दिया है, अब वो और भी बलवान हो गई है। देखना, ध्वजारोहण आप ही करेंगे। अरे दया, अगर ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में घी शक्कर। चलिए अभी जल्दी कीजिए, सोसाइटी मीटिंग का समय हो गया। पता है बापूजी तो कब तक पहुंच गए? चल चल चल, चलिए।